बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो अगर लास्ट वीक की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे हुई है। लास्ट वीक जो क्लोजिंग थी वो 66,223 के अराउंड थी, जबकि इस वीक की क्लोजिंग अगर हम देखें तो 66,130 के अराउंड हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमने 45 बिलियन रुपीज का इंक्रीज विटनेस किया है। और अगर हम यहाँ वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए, 3.14 या 3.15 समझ लें बिलियन का जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है। लास्ट वीक में हमने देखा था 2.87 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉल्यूम में यहाँ पे देखें थोड़ा सा अपसाइड पे डोजी फॉर्म हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके बता दूं। ठीक है, ये डोजी फॉर्म हुआ है, इसको हम कहते हैं इनडिसाइसिव क्लोजिंग। ठीक है ना, इनडिसाइसिव ये पूरा वीक रहा, मतलब समझे साइडवेज रहा एक तरह से, जो नैरो बैंड है उसी पे ये चलता रहा है। देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छा गेन दिखाया है, 46,200 से मार्केट जो है वो तकरीबन 67,000 के अराउंड गई थी। और वहां से भी मैंने कहा था कि आपको यहाँ से जो है प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर इनकी क्लोजिंग अभी आ रही है, दिसंबर एंड है इनकी क्लोजिंग का, ईयर एंडिंग इनका दिसंबर है, तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट शो करना होता है। तो जो उन्होंने स्टॉक बाय किए हैं वो सेल करेंगे, ऑब्वियसली कुछ 100% कोई 200% भी गए हैं शेयर्स जो बाय किए इन लोगों ने इन सेक्टर में, जो है बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर ने स्पेशली, तो उनकी तरफ से हम सेलिंग विटनेस कर सकते हैं। तो उनकी सेलिंग को बीच में पहले बैंक ने हमने सेलिंग देखी, तो उनकी सेलिंग को म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब किया, फिर इंश्योरेंस जो है सेलिंग पर आया। तो अभी हम लेटेस्ट हमने देखा जो पीपीलीपी का डाटा, उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट है, उन्होंने इनकी सेलिंग को, ये मोस्टली जिनकी सेलिंग है इंश्योरेंस की तरफ से, और अभी ब्रोकर प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं वो सेलिंग साइड पर है। ऑब्वियसली अपर साइड पे जब आपको गेन मिल रहा हो 50% to 200%, तो कहीं ना कहीं तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग हम विटनेस करें, और मैंने भी कहा था कि आप लोग भी जो है कम से कम हाफ या 25% अपना जरूर बेचें और इस प्रॉफिट को एंजॉय करें। अच्छा, अब इस वक्त जो है करंट सिनेरियो में देखें, जैसे मैं आपको बता डोजी फॉर्म हुआ है और RSI भी इस वक्त देखें तो काफी हाई है, RSI इस वक्त 89 पर है। अच्छा, यही सिनेरियो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करूं, तो यही करंट सिनेरियो यहाँ पे भी नजर आया था, यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी मैंने कहा था कि ये है यहाँ पे इनडिसाइसिव है, तो थोड़ा इसके ऊपर कोई इसकी कंफर्मेशन या फिर निगेशन दोनों मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक में देखें अच्छी कैंडल बनी, इसके बाद देखें मूवमेंट कितनी अच्छी, अपर की साइड रैली कितनी अच्छी बनती हुई देखी हमने। तो ये हुआ था तकरीबन, ये वीक बनता है 23rd से लेकर 27 तक का, तो ये 27 अक्टूबर तक हम जो है ये वीक देखा 25 दिन का, 5 दिन के अंदर डोजी फॉर्म हुआ, फिर इसके बाद जो अपसाइड पे हमने इसकी कंफर्मेशन हो गई कि ये यहाँ पे इनडिसाइसिव जो था यहाँ पे कुछ स्टॉक स्विच हुए हैं, ऑब्वियसली ये कुछ सेल किए गए कुछ बाय किए गए, तो ये एक्यूमुलेशन था एक्चुअली, ये तो ये नैरो बैंड पे ये एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ से ये दूसरे स्टॉक यहाँ पे फिर मजीद, या जो स्टॉक चल रहे थे ऑटो सेक्टर वगैरह या सीमेंट सेक्टर, उसमें हमने फिर आगे मजीद रैली बनते हुए देखी। मोस्टली कंट्रीब्यूशन इन्हीं सेक्टर्स की हो रही है, ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, तो ये अच्छा अभी इस वक्त हम रिसेंटली परफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, और अभी भी इसमें रैली बनते हुए देख रहे हैं कि अभी भी अपर साइड पर है, यहाँ पे डाउन साइड पे बाइंग आती है और फिर ये अपर साइड पे रैली बनाते हैं स्टॉक। तो बहरहाल अभी हम देखें करंट सिनेरियो में, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए जब तक इसकी निगेशन या कंफर्मेशन नहीं मिलती। अगर इसकी निगेशन मिलती है, फॉर सपोज ये वाली जो है जहां से इसने सपोर्ट लिया था, ये वाला एरिया, ठीक है ना, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं, तो ये एरिया इस वक्त जो है सपोर्ट एरिया है, और इसकी नेगेशन भी यहां से मिल सकती है। अगर इसके नीचे फिर कोई वीक की यहां से लेके यहां तक कोई, जैसे फॉर सपोज कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अपर साइड पे जो स्टॉक आपको फॉर सपोज आपको साजगार की मिसाल ले लें, उसने 220 का दिखाया, अब वो आपको शायद 150-160 मिल रहा हो, तो आपको लग रहा हो हाँ या 60-70 रुपए नीचे मिल रहा, नहीं, थोड़ा मोहतात रहना चाहिए ऐसे स्टॉक से जो बहुत 40 रुपए से गए हैं, तो उन जिन पे 100% 200% गेन मिल चुका है, तो उनमें थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें, क्योंकि उनका भी RSI काफी हाई है अलोंग विथ इंडेक्स।
इसमें अभी हम देखें तो यहाँ पे निगेशन मिल सकती है। देखें जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ निगेशन, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, अगर इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती तो फिर ये इंडेक्स और भी नीचे आ सकता था। तो अभी फिलहाल मशवरा यही कि अभी थोड़ा सा कॉशियस से काम करें। ऑल दो अगर देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छा है, जो हमारा बेंच मार्क था 9.5 ट्रिलियन का वो इस वीक में अचीव हो चुका है। तो बहरहाल एक तो ये एक इंडिकेशन है, इसके नीचे एक कोई बेरिश कैंडल बनती है तो साइड लाइन हो जाए, थोड़ा सा देखें मार्केट को कहाँ सस्टेन करती है, कौन से लेवल पे जाके, तो उस वक्त आप एंट्री लीजिएगा। और वैसे भी मैंने आपको कहा था वीडियो में भी आप मेरी देख लें, और मैंने सोशल मीडिया में स्पेशली कहा था कि थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, डाइवर्जेंस शॉर्ट ग्राफ पे आ रहा है, आवरली पे और डेली पे डाइवर्जेंस आ रहे हैं, और जिसका इम्पैक्ट हम जाहिर सी बात है देखते भी हैं ड्यूरिंग द मार्केट। कभी 1000 पॉइंट प्लस जाके फिर 64 माइनस भी आ जाए तो 1100, अभी बीच में हमने 2000 2500 की भी करेक्शन ऑल ओवर हमने देखे तो 2500 तक की हमने 2500 से ऊपर भी करेक्शन देख चुके हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको यहां से दे देता हूं। अगर हम आवली चार्ट देखें, आवली पे डाइवर्जेंस आ रहा था, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं और थोड़ा जूम इन कर दूं, एक्सपेंड भी कर दूं थोड़ा, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट गई थी, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, चले हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये मार्केट यहाँ पे गई थी, ये वाला एरिया जो है 67,000 के अराउंड, ठीक है। फिर इसके बाद देखें इसने लो भी यहाँ के, यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इसका भी लो कहते हैं 64,400 का लो यहाँ, तो अच्छी खासी करेक्शन देखी मैंने, कहा ना 2500 से ऊपर भी करेक्शन यहाँ आई है, तो ये आपको करेक्शन आवली चार्ट में यहाँ से देखने को मिल जाएगी। और अभी देखें आवली चार्ट में इस वक्त तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां से इसने पहले भी सपोर्ट लिया था, ये 7 दिसंबर है, यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, उसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, या इनको अगर हम एरिया ऑफ वैल्यू गए तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ये यहाँ पे मैं एरिया ऑफ वैल्यू लिख देता हूँ, ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है ऑन शॉर्टर टाइम, इसको मैं थोड़ा सा और मसीद बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ। तो 63,850 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो एक तो ये हमारा हो सकता है यहाँ कोई फिर मजीद कोई वीक बने, क्योंकि यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ये हो सकता है आने वाले दिनों में फिल हो जाए, इसको भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, ये गैप फिल होता हुआ नजर आ रहा आएगा अगर ये एरिया वैल्यू, और हो सकता है इसको तोड़ता हुआ सेकंड गैप भी फिल करे। देखिए काफी गैप सारे शॉर्ट ग्राफ में, और शॉर्ट ग्राफ में जो है डाइवर्जेंस भी आ रहा है, और अगर हम लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ था, इसके बाद से जो है मार्केट ने अपनी परफॉर्मेंस डाउन साइड की जाने दिखाना शुरू कर दी। तो ये मैं आपके साथ अभी शेयर भी कर देता हूँ, ये देखें ये आ गया हेड आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ये जूम इन करूं और थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हेड आ गया, और इसी को क्लोन लेके जो है शोल्डर कर लेते हैं, ये आपका लेफ्ट शोल्डर आ गया, और इसी को भी क्लोन लेके ये राइट शोल्डर आ गया। अब आप देखेंगे इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, डाइवर्जेंस भी आ रहा है सही पे आया, जो मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने सब बताया था कॉशियस रह के काम करें। मैंने सोशल मीडिया बता दिया कि बैंक और इंश्योरेंस सेलिंग साइड पर हैं, और ये टेक्निकली भी ये पैटर्न, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है जो मार्केट का जो भी बिहेवियर है उसका रिफ्लेक्शन चार्ट पे जरूर आता है। इसके बाद से फिर हम देखेंगे यहाँ से ये अगेन नीचे मार्केट, देखिए शॉर्टर ट्रैप फ्रेम रेवे ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया आएगा 66,700, ठीक है, और ये मैंने अपर साइड पे किया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, ये वाला एरिया ले ले लाइन चार्ट के हिसाब से, इसको भी थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस वक्त ये देखें, हम अब एरिया ऑफ वैल्यू भी आ गए और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी आ गई है शॉर्ट ग्राफ पे, ये आ गया ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी सामने आ गई है, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर आवरली बेस पे देखें शॉर्ट ग्राफ पे, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है एटलीस्ट
60,950, 67,000 आप समझ लें, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं ये भी मैं आपको फिबोनाची की हेल्प से बता दूंगा। अगर अब इसी को लेवल को ले, यहाँ से इसके अपर साइड था ये, और इसने फिर ये यहाँ पे लाइन चार्ट के साथ देखेंगे, ये इसका लोअर साइड है, ठीक है। 65,000 ये लाइन चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो विक्स हैं वो क्लियर हो जाती है, नॉइज आपकी जितनी है सब क्लियर हो जाती है, कोई बीच में जो ऊपर नीचे डंडियां बनती है जिसे हम विक बोलते हैं वो खत्म हो गई है। अब क्लियर आपको नजर आएगा यहाँ से कि 66,957 और 65,076, ये इसका अप और साइड जो था, अप साइड डाउन साइड दोनों बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इस वक्त देखें फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो का इनवर्स है 0.0618, 66,238 है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये आपको इनिशियल आएगा, ये इसकी इंडिकेशन होगी कि मजीद ही अपसाइड ये ब्रेकआउट रेजी की तरफ जा सकता है। यहाँ से भी आपको ये यहाँ पे रेजिस्टेंस या रिजेक्शन विटनेस करने को मिल सकती है 66,200, क्योंकि मार्केट 66,100 के करीब ही बंद हुई है, और देखें 66,200 आवली चार्ट पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये गोल्डन रेशियो ब्रेक होगा तो हम फौरन जो है ये वाला लेवल देख सकते हैं, 66,500 का ये वाला लेवल भी हम देख सकते हैं, और फिर आएंगे ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी की तरफ, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है, मैं आपको बना के ही बता देता हूँ, फॉर सपोज यहाँ पे अगर हम कोई बुलिश कैंडल देखते हैं बनते हुए, ठीक है, इसको मैं येलो कलर देता हूँ क्योंकि मेरा ये कस्टमाइज कलर है बुलिश का, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर ये वाला एरिया सूनर और लेटर रिटेस्ट हो सकता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया 68,100 का या 68,000 समझ लें, ये एरिया हो सकता है, और फिर इसके एरिया के बाद फिर एक और एरिया जो है वो फिबोनाची के हिसाब से एक्सपोज हो जाएगा, वो है 67,000 पूरा ये वाला एरिया। तो ये मैंने आपको आवली चार्ट पे बता दिया शॉर्ट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। चलिए हम वापस वीकली की तरफ आ जाते हैं, ये मैंने आपको लेवल बता दिया, आप इसको याद रखिएगा कि इसके नीचे अगर परफॉर्म करता है, अगर आप आवली पे भी देख लें तो 65,195 और वीकली पे भी 65,195 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो हम इसमें मजीद डाउनसाइड देख सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिबोनाची को, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया, समझाने के लिए मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको बताया था, ठीक है, ये सब अभी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ये आपको वीकली चार्ट समझ में आ जाए कि क्या पोजिशन है आने वाले दिनों में, ठीक है। ये मैं आगे की ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे क्लियर पोजीशन सामने आ जाएगी, ये भी अभी ये भी रिमूव कर देता हूँ, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अपर साइड पे इसको रहने दें, ठीक है, अपर साइड वाला जो मैंने शेयर किया हुआ है इसको रहने देते हैं अभी, 68,130 और 67,000, ठीक है, ये हमारे फिर अगले टारगेट्स होंगे, ठीक है। इसको मैं फिर वापस कैंडल स्टिक पे ले आता हूँ, ठीक है। लेकिन अब कैंडल स्टिक पे हिसाब से भी अगर हम देखें सीपीआर का लेवल तो श्रिंक हो रहा है। अच्छा, अगर मैं याद रखेगा, अगर अपर साइड पे डोजी फॉर्म हो, आरएसआई भी हाई हो और सीपीआर श्रिंक हो रहा हो तो इसके दो चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर ये 66,338 से आप 66,400 ले लें, इसको सस्टेन करता है वीक ऑन वीक बेसिस पे, इसके ऊपर जो है कैंडल बनती जा रही है तो फिर आप एंट्री ले, तो फिर ये लेवल आपको रिटेस्ट होते हुए मिल सकते हैं 68,130 और 69,000, सॉरी, ये भी लेवल जो है ये रिटेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर ये सीपीआर के नीचे आता है, अगर डोजी बना हुआ है और तो देखिए, अगर ये नीचे कोई इसके नीचे कोई बनता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले 64,333, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है कोई वीक पे देखें तो कॉशियस रह के काम करें, क्योंकि ये यहाँ पे ये जिस तरह ब्रेक जो श्रिंक हो रहा हो सीपीआर और इसका ब्रेकआउट मिलता है तो रैली भी अच्छी खासी अपसाइड पे रैली भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है, और यहाँ से नोज डाउन भी बहुत तेजी से आ सकता है इंडेक्स जो है, ठीक है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे इन इन एरियाज में थोड़ा केयरफुल होके काम करें, स्पेशली इस वीक में देखें साइडवेज थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि जिन्होंने एंट्री ली है इन एरियाज में 53,000, 46,000, 50,000, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गेन मिला होगा और एंजॉय कर रहे होंगे प्रॉफिट। तो और मजीद अपना प्रॉफिट जो है इसको वॉश आउट करने से अच्छा है कि थोड़ा साइडलाइन हो जाए और मजीद अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि मैं कहता हूँ जो आपने नीचे पे बाय किए हुए आधा 50%, 25% जरूर सेल करें। प्रॉफिट टेकिंग हर कोई करता है, तो स्पेशली बहुत ज्यादा हायर साइड पे कोई स्टॉक चला जाए, ओवरबॉट पे आ जाए, तो सेल करना चाहिए। आप अपने स्पेशली आप अपने स्टॉक को देख सकते हैं इसमें प्लॉट करके कि कौन कौन से शेयर लिए और कौन कौन से आरएसआई, उसमें कितना आरएसआई हाई है ओवरबॉट पे है और आपको अच्छा गेन मिल रहा है 50%, 100%, तो उसमें आप 50%, अगर 100% है तो 50% तो आप सेल करें ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो और कम हो जाए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।